आपको शूट किया जाएगा। तुमको किया जाएगा शूट AK-47 से। मतलब ट्रैफिक मिलना था भाई, टच नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे नहीं तो। इन्होंने चिकन बर्गर खा लिया है वैसे समझ के, आई गेस तो इनके लगा हुआ है ना, इनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और ताजा एकदम फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज है शूट डे, और हम जा रहे हैं अगेन कैरेट लेन का दूसरा शूट करने। क्यों भाई? शूट डे, आपको शूट किया जाएगा। तुमको किया जाएगा शूट AK-47 से। तो पिछली बार हम गए थे किसी और मॉल में, गए थे कौन सा, मतलब भूल ही गया उसका नाम, 67 या 57 हाँ। में गए थे। इस बार हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल में, और एम्बियंस मॉल बहुत बड़ा मॉल है भाई, उसकी पार्किंग ऐसी है कि गाड़ी लगा के भूल जाते हैं। तो अभी बज रहा है 10 और हमें 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है। उसके बाद न्यू सेटअप तो दिखाओ कैसा लग रहा है। न्यू सेटअप क्या है, तुमने बस एक ही लाइट लगा ली है इधर से, और अब हम उधर से रिकॉर्ड करते हैं, और ये रिकॉर्ड अब यहाँ से करने लगी है। पहले ये सामने से यहाँ से रिकॉर्ड करती थी, बाथरूम के शीशे में देखते थे पहले हम व्यू फाइंडर। तो बस फटाफट मैं तैयार होता हूँ, ये भी तैयार हो रही है, उसका निकलते हैं। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं घर से, बट हमारी क्या बताएं, कैसी किस्मत अजीब है कि हम टोल के ट्रैफिक में अटके हुए हैं। मतलब ट्रैफिक मिलना था भाई, टच नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे नहीं तो गलती हो जाए यार, वी आर गेटिंग टू लेट एक्चुअली, ज्यादा लेट हो रहा है, एंड इन्होंने लेट कर दिया। मैं टाइम से रेडी हो गई थी, आप ही ने किया लेट, एंड टाइम पे आपका पेट खराब हो गया तो बस आपने लेट कर दिया, मैं तो रेडी हो चुकी थी, तो बस यही हुआ है। और अब जा रहे हैं, वी आर गेटिंग टू लेट, जल्दी से पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं वहाँ क्या क्या होने वाला है। यू विल सी ऑल द व्लॉग हियर। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अंदर, और अब फटाफट जाएंगे कैरेट लाइन के शोरूम में। ऑलरेडी काफी लेट हो गए, उनका इवेंट ना स्टार्ट भी हो गया होगा। सो गाइस, यहाँ पे हमने कर दिया है शूट स्टार्ट, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब आ गए हैं, और अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं साथ में केक। अभी यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं जो एंट्री वाला होता है ना, कि जब शोरूम के अंदर जाते हैं वो वाला पोज है वो ले रहे हैं। और ये रहा कैरेट लेन का शोरूम, काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे सजावट वगैरह करी है। खाने पीने का भी काफी बढ़िया इंतजाम है, एक ही नॉन वेज है क्या, ये पता नहीं भाई क्या है, खा के देखो कैसा है। और ये छोटा सा बर्गर का बच्चा है। Then we have cookies also. मिनी पिज़्ज़ा है। अच्छा मिनी पिज़्ज़ा है क्या ये? Okay, that's great. तो अच्छा इंतजाम है खाने पीने का। तो शूट तो अभी चल रहा है, और मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ कॉफी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, शूट तो अभी चलता रहेगा। यहाँ पे है हैरी पॉटर कलेक्शन, कैरेट लेन में ये रहता है, और ये पता नहीं क्या है, अंगूठी है, हॉगवर्ट्स का हुआ है। इसके बाद ये कुछ रखा हुआ है, आप लोग पहचानो और बताओ ये क्या क्या है, सारा सारा ये कलेक्शन है। तो जो शूट है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस अब कुछ फोटोज़ वगैरह लेंगे, इसके बाद जो एग्जिट वाला सीन होता है वो करेंगे, देन शूट इज ओवर। तो थोड़ा और टाइम लगेगा 15-20 मिनट का, उसके बाद हमारा डन हो जाएगा। वेज
तो शूट खत्म करने के बाद हम खा रहे हैं बर्गर और इन्होंने चिकन बर्गर खा लिया है वेज समझ के। आई गेस तो इनकी लगा हुआ है ना, इनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वेज है, उल्टी करो चाहे सीधी करो, वेज है वेज है वेज है। इनको डाउट हो गया था तो इनकी हवाइयां होता है ना, इनकी हवाइयां उड़ गई थी। मटन बर्गर है तो खा भी नहीं सकते। इट इज डन और नाउ वी आर गोइंग बैक, और अभी हमें एक जगह और जाना है तो यहाँ से निकलते हैं बड़ा बड़ा वहाँ पहुँचेंगे। तो अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।